बागवान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर इंद्रमोहन शर्मा आज GIZ और बायर क्रॉप साइंस की ओर से आपको सेब में लगने वाली माइट की पहचान और उसका क्या नुकसान होता है, क्या लक्षण होते हैं और उसके रोकथाम के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम ये जानें कि माइट क्या है। माइट एक 8 टांगों वाला मकड़ी प्रजाति का एक सूक्ष्म जीव है और सेब में मुख्य तौर पे 2 माइट्स का प्रकोप होता है। पहला है रेड स्पाइडर माइट और दूसरी है 2 स्पॉटेड माइट, स्पाइडर माइट। तो ये जो माइट्स हैं, रेड स्पाइडर माइट जो है ये लाल रंग की होती है और चॉकलेट कलर की भी होती है और इसके ऊपर शरीर के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं और जो इसकी नर माइट होता है वो हल्के लाल रंग से पीले रंग की तरफ होता है और वो पतला होता है। जो मादा माइट है उससे थोड़ा पतला होता है और सर्दियों में ये जो माइट है जो बीमे होते हैं जहाँ खुरदरापन होता है पेड़ों के ऊपर वहाँ पर ये अंडों के रूप में जीवित रहता है, जो प्रायः गोलाकार होते हैं, लाल से गुलाबी रंग के होते हैं। और ये अंडे जो हैं ये जब गर्मी आती हैं, थोड़ा बसंत ऋतु आती है उसके बाद ये अंडे जो हैं उनमें से आपके शिशु निकलने लगते हैं जिनको हम निम्फ कहते हैं और वो 3 अवस्थाओं से निकलकर लार्वा, प्रोटोनिम्फ, ड्यूडोनिम्फ से व्यस्क बनते हैं। और ये जो सारा जीवन चक्र होता है इस माइट का ये 9 से 19 दिनों में ये कंप्लीट कर लेता है। और ये माइट जो है पत्तों से, जो इसके शिशु हैं या इसके व्यस्क हैं वो पत्तों से रस चूसते हैं। ये प्रायः निचली तरफ चले जाते हैं और रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पत्तों का जो हरा रंग होता है वो हल्का हरा रंग हो जाता है, पीला हो जाता है और बाद में जो पत्ते हैं वो तांबे नमा हो जाते हैं, कांस्य रंग के हो जाते हैं। और कई बार ये जो पत्ते हैं वो बहुत अत्यधिक इसमें आक्रमण हो तो गिरने भी लगते हैं। फलों पे भी जो है इसका माइट का जब प्रकोप होता है तो उसका फलों पे रंग जो है वो प्रभावित होता है, गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, आकार में छोटे रह जाते हैं और अगले साल की फसल जो है जिसको हम कहते हैं कि ब्लूम रिटर्न जो है वो नहीं आता, अगले साल की फसल भी प्रभावित होती है। और जो दूसरी माइट है 2 स्पॉटेड माइट जो है स्पाइडर माइट, उसमें जो माइट होती है जो व्यस्क होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं और उसमें जो अग्रभाग होता है जो उसकी पीठ होती है शरीर के ऊपर 2 काले धब्बे बने होते हैं, ये इसकी पहचान है। और ये जो माइट है ये सर्दियों में व्यस्क के रूप में पत्तों के ऊपर या दरारों में या कहीं भी पेड़ के आसपास जो पत्ते मलबा होता है उसमें जीवित रहती है और जैसे ही मौसम अगला ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है तो इस माइट के मुझे अंडे देते हैं और अंडों से फिर वही जो 3 स्टेजे हैं आपकी लार्वा, प्रोटोनिम्फ, ड्यूडोनिम्फ से बनकर व्यस्क बनते हैं और ये जो इसके शिशु होते हैं निम्फ होते हैं ये पत्तों के नीचे जाकर उसका जो रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि कई बार ऊपरी तरफ आपको पीले, हल्के पीले धब्बे दिखेंगे और पत्ते जो होते हैं मुड़ जाते हैं और वो कांस्य रंग के भी हो जाते हैं। ऐसे जो पौधे होते हैं उनमें जो बीमे होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और अगले साल के लिए फसल भी प्रभावित होती है और जो फल होते हैं उनके ऊपर भी जो कलर है वो पूरा नहीं आता है और आकार भी छोटा रह जाता है। तो ये 2 किस्म की माइट्स हैं और ये जो माइट है एक सीज़न में 5 से 7 अपनी पीढ़ियाँ बनाती है। ये डिपेंड करता है कि वातावरण में तापमान कितना रहा और उसका भौगोलिक स्थिति क्या है बगीचे की, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो माइट के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए हमारे को कुछ गैर रासायनिक और रासायनिक तरीकों को अपनाना पड़ता है। गैर रासायनिक में ये है कि
आपने कभी भी अंधाधुंध बिना सोचे समझे कीटनाशकों की जो स्प्रे है वो नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि आपके जो मित्र कीट हैं या माइट के जो शत्रु कीट हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और बगीचे में माइट को पनपने का पूरा मौका मिल जाएगा। दूसरा ये है कि बगीचों में जो आपके माइट के खाने वाले कीट हैं, दूसरे कीट हैं, उनकी जो आपने सुरक्षा करनी है, उनको सुरक्षा देनी है या उनको एक आपने उनका कंजर्वेशन करनी है, उनको कंजर्व करना है, तो वो जब उनकी संख्या बढ़ेगी, जैसे आपका काइलोकोरस कॉर्निया है या फिर आपका स्थितोरस वो है कीट है या ओरियस है या फिर प्रेडेटरी माइट बहुत किस्म की होती हैं, जब ये बगीचों में पनपेगी तो ये जो माइट है इनको खाती हैं और इनको खाने से इनकी संख्या जो है कम हो जाती है। ये भी देखा गया है कि एक प्रेडेटरी माइट होती है जो माइट बक्शी जिसको कहते हैं, वो जब एक न्यू सेलस आपकी लॉन्गिस्पोरेसिस है वो जो है माइट अगर एक उसका हो और 30 माइट को वो अकेले खा जाती है, तो अगर उसको हम 3 बार बगीचे में छोड़ेंगे तब भी माइट का जो है वो नियंत्रण में रहती है। और जो रासायनिक का नियंत्रण है उसमें हमारे को एक तो जो शीतकालीन जो स्प्रे होते हैं डोरमेंट ऑयल की जो स्प्रे सेंजो स्केल में जैसे हम करते हैं, वैसे ही जो जब करते हैं तो जो इसके माइट के एग्स होते हैं वो उनके ऊपर प्रभावित करती है और जो एग्स है उनको वो मर जाते हैं। और उसके बाद पंखड़ी झड़ने पे या मटर की अवस्था में हमारे को समर वाइल्स जो हैं उनका स्प्रे 2 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर, या फिर जो एग मारने वाले आपके माइटी साइड हैं स्पायरोमाइसिफन जो है वो 60 मिलीलीटर आपको 200 लीटर पानी में घोल बनाकर, या फिर हेक्साथाइजॉक्स जो है वो आपको 200 मिलीलीटर जो है 200 ml में डालकर घोल करके उस अवस्था में स्प्रे करेंगे तो वो जो भी अंडे हैं उनको मारेगा और अंडों से आगे जो है माइट या उनके जो बच्चे हैं जो निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। और जब जुलाई अगस्त का महीना आता है जब इसका प्रकोप माइट का बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम हमारे को ये प्रोपेजाइट है, प्रोपेजाइट के 200 मिलीलीटर जो है वो 200 लीटर पानी में, या फिर आपका फेंजा क्यून जो है वो 50 मिलीलीटर जो है वो 200 लीटर पानी में घोल कर उसको स्प्रे करना चाहिए। और ये जो पहले मैं बता चुका हूँ जो अंडे मारने वाले जो माइटी साइड हैं जो माइट की इसके अंडे मारते हैं वो भी आप इस स्टेज पे स्प्रे कर सकते हैं साथ में, क्योंकि वो माइट के अंडों को प्रभावित करते हैं, वो दूसरे व्यस्क को प्रभावित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इस स्ट्रेटजी में चलेंगे तो हम माइट को नियंत्रण में रख सकेंगे। और जो उद्यान विभाग है हिमाचल प्रदेश का शिमला से जो प्रतिवर्ष एक कीटों के नियंत्रण के लिए एक छिड़काव सारणी निकालता है, उसका भी अगर आप अनुसरण करेंगे तो भी आप माइट को कंट्रोल में रख सकते हैं।